इतनी तुम्हारे पापा की वजह से है। अपनी जिंदगी से लड़ रहा है वो। मैं मानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मैंने वो सब होश में नहीं किया था। मुझे तो एहसास भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ये तो पूरे होश में थे ना। इन्होंने जानबूझकर ज़ारान के साथ गलत किया, इतना गलत किया कि मुझे हॉस्पिटल में मैं वापस आई थी सारांश के लिए, अपने बेटे को अपना बनाने के लिए, मगर मैंने फिर भी कोई जबरदस्ती नहीं की। दूर रही सारांश से ये सोचकर कि शायद वो तुम्हारे और प्रीशा के साथ खुश रहेगा, मगर बस अब और नहीं। अब मैं सारांश को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी, अब सारांश मेरे साथ रहेगा। ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। अच्छा है ना, तेरे बाप क्या चाहता है? अब सारांश अपना मुंह खोले इससे पहले पिल्ले तू कोई अपना चमत्कार दिखा दे। आज बोल दिया है, दोबारा मत बोलना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सारांश नहीं दूंगा। तुम्हें सारांश को मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। मेरा बेटा इस घर में नहीं रहेगा जिस घर में तुम्हारे पापा की वजह से उसकी ये हालत हुई है। सारांश की इस हालत की वजह तुम सब हो। तो प्लीज यार ये एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि असलियत तो यही है, सारांश आज जिस हालत में है उसके जिम्मेदार तुम तीन हो, तुम एंड यू मिस्टर खुराना। तू होता कौन है ऐसा बोलने वाला? तुझे तो ना, एक मिनट, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो ये जो एंग्री मैन वाला ड्रामा है ना, हम लोग बाद में करेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ कि सारांश फिर से घर से भागा था ना? भाग गया था ना तुम्हारा बच्चा फिर से? तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्योंकि उसे मना के समझा के अपनी गाड़ी में बिठा के वापस लाने वाला मैं ही था। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? क्या देख क्या रहे हो तुम लोग? तुम लोग को तो हाथ जोड़ने चाहिए मेरे सामने। फरिश्ता बन के आया हूं मैं तुम्हारे लिए। मतलब तुम लोग का बच्चा है बार बार घर छोड़ के भाग जाता है, बार बार उसे सही सलामत घर वापस मैं ही लेकर आता हूँ। लेकिन तुम लोग ऐसे एहसान फरामोश लोग हो ना कि एक थैंक यू तक नहीं फूटता किसी के मुंह से, एक थैंक यू भी नहीं। देखिए मुझे नहीं सुनना, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए और ना ही इस बारे में सोचता हूं मैं। पर तुम लोग तो सोचो कि एक छोटे से बच्चे ने ऐसा क्यों किया। आप घर में सबसे बड़े, तब से एक ही बात बोले जा रहे, उसने पैसे चुराए, पकड़ा गया, गिर गया। अरे कभी ये सोचा कि उसने पैसे क्यों चुराए? इतने सारे पैसों की उसे क्या जरूरत थी? नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम लोग का फैमिली ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता। कभी सोचा उस छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या चलता होगा ये सब देखकर? नहीं, उस छोटे से बच्चे को ऐसा लगा कि रुद्राक्ष प्रीशा को छोड़कर महिमा के पास चला जाएगा और वो ये नहीं चाहता, इसलिए उसने पैसे निकाले होंगे ना इनके लॉकर से, ताकि वो पैसे लाके महिमा को दे सके और महिमा ये घर छोड़ के, तुम्हारा घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। झूठ बोल रहे हो तुम। छोटा सा बच्चा वो ऐसा क्यों सोचेगा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? उसका दोस्त मिला था उसे, वो अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहा है, उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तो अब दूसरी वाइफ के साथ रहने के लिए पहली वाली वाइफ को पैसे दे दिए। अरे एलिमनी दिए, एलिमनी। वो पैसा पहली वाली बीवी ने लिया और चली गई उनकी जिंदगी से, तो यही बात उसके छोटे से दिमाग में जाके बैठ गई ना। तू पर तेरी रियल मम्मा कहाँ गई? मेरा पापा ने उन्हें छोड़ दिया, मेरे पापा ने उन्हें बहुत पैसे दिए और हर महीने देंगे, मतलब मेरे पापा जब भी पैसे देंगे तभी तो मेरी नई मम्मा और मेरे साथ रह पाएंगे। छोटा सा बच्चा है, उसे इतनी समझ क्या है? उसने जो देखा वो ही समझता है, उसे लगा कि पैसे महिमा को देगा, महिमा भी चली जाएगी, इसलिए पहुंच गया वो पैसों का जुगाड़ करने।
और वो बेचारा बच्चा वहां से आज यहां पहुंच गया है, यहां ऑपरेशन थिएटर में। सुन लिया, ये है सच। तुम सारांश को दूर ले जाना चाहती, लेकिन तुम्हारा अपना बेटा तुम्हें दूर भेजना चाहता है। पापा के कमरे में पहुंच गया था इतना छोटा सा बच्चा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें पैसे दे सके और तुम्हें दूर भेज सके। नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, नहीं चाहता तुम्हें, नहीं मानता तुम्हें अपनी मां। अब तो समझ जाओ ये बात, तुम सारांश के साथ क्या उसकी लाइफ में मिलनी नहीं चाहिए, समझी? बस रुद्राक्ष, तुम मक्का को कुछ नहीं बोलोगे, इनकी कोई गलती नहीं है। सारांश ने हमें लड़ते हुए देखा था, इसीलिए उसे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। सारांश को महिमा से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती अगर हम दोनों उसके सामने अच्छे से रहते तो। ये सब बातें करने का अभी टाइम नहीं है, अभी हमें सारांश के बारे में सोचना है, उसे बचाना है। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, क्योंकि मैम सारांश के फादर आ गए क्या? ब्लड चाहिए सारांश के लिए, सर्जरी रुकी हुई है। हाँ मैम, मैं अभी के पास आ रही थी। रुद्राक्ष, उसे बचाना है, तुम्हारा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है ना। तुमने पहले क्यों नहीं बोला? चलिए जल्दी चलिए। क्या बात है पिल्ले, सही टाइम पे आया तू, और क्या स्टोरी घुमाई है, साथ में खोपड़ी घूम गई इन सब की। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि सारांश को मैंने भड़काया था पैसों के लिए। जीनियस है तू पिल्ले, जीनियस।